वजीर आजम हो या कोई भी हो, उसको अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, वो फैसला वही करेगा अल्लाह ताला। फैसला जो हुआ है गलत हुआ है मेरे ख्याल से, तो यार हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो मुल्क के, इनके साथ तो हुआ है वो गलत हुआ है। सर वो गरीब आदमी होता तो उसमें तो फिर कई सालों की सज़ा मिलती, आप ये प्राइम मिनिस्टर साहब थे इनको 30 सेकंड की थी, सही है नहीं उस लिहाज से तो सही नहीं है, गरीब आदमी को रगड़ दिया जाता है, अब उसको आप देखें कैसे किया। सर मैं तो कुछ नहीं कह सकती, गलतियां तो सबसे हो जाती है, लेकिन वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं नहीं कह सकती कि मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए वो बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर है हमारे। तो साहब के साथ बहुत ज्यादा हुई है, मैंने उन्होंने 4 साल मुल्क को चलाया, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, 18वीं तरवीम, 19वीं 20वीं दी है, और बहुत ज्यादा है वैसे। हाँ ये तो खैर जितने भी लीडर है किसी ने भी नहीं दिया, और हम चाहते थे हुकूमत को पूरे 5 साल पूरे करने चाहिए, समझे, तो बाकी रहा उनके साथ ज्यादा हुई है जिसका हमें दुख हुआ है। जनाब खुदा पहाड़ निकला चुहा, लेकिन एक चीज़ तो है कि वज़ीर आज़म जो है सज़ा याफ्ता है, कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी मुल्क में जाएंगे, किसी के कोई किसी भी मुल्क का दौरा करेंगे तो वहाँ पर यही होगा कि सज़ा याफ्ता जो है वज़ीर आज़म है। इसे सुपरमेसी तो पता लगी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है, कि जो है वो क्या कोई सज़ा थोड़ी होती है 20 सेकंड की, नहीं ये तो अब चूँकि इसमें देखना पड़ेगा कि जजमेंट में फैसला क्या है, उसको देख के ही फिर बात करेंगे, इस तरह तो नामुमकिन बात हो जाती है। नहीं मैं मुतमिन हूँ, देखिए ये जो है मैं इसके बारे में क्या कहूँगी, क्योंकि एक जुडिशल हमारा जजमेंट आया है, और बीइंग ए लॉयर वी हैव टू ओबे एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द जजमेंट। जाहिर सी बात है, अब वज़ीर आज़म या कोई भी हो, कानून तो सबके लिए बराबर ही है ना, जब सज़ा हो गई तो ठीक है, बिल्कुल सही सज़ा होगी, बिल्कुल सही है, बल्कि ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए, ये इतने क्राइम में मतलब इन्वॉल्व हैं, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, ये गरीब आदमी के लिए भी, अमीर के लिए, सबके लिए। जिस दिन का ये बैठे है ना हमारा अपना वजीर, उस दिन की दुनिया सुखी को कोई नहीं, इसे ये समझे यही मरवा रहा है, यही करवा रहा है, हमारे तरह कोई समझ नहीं आती, कोई इसकी परवाह ही नहीं है, गरीबों को कोई परवाह ही नहीं है। जो फैसला दिया है वो आइन के मुताबिक दिया है, वज़ीर आज़म को कानून और आइन के मुताबिक उसको फेस करना चाहिए, उसको अपील करनी चाहिए, न कि रास्तों पर निकलें और एहतजाज करें, मुल्क की मईशत पहले ही ख़राब हो चुकी है, अवाम भूखा फलास में मुब्तला हो चुके हैं, इसलिए वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो कानून के मुताबिक अपने आप को फेस करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो फैसला है ना, अदालत जो फैसला करेगी वो माना जाएगा। मेरे ख्याल में बहुत गलत हुआ है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला है उसको तो मानना चाहिए, जो दिया गया है फैसला 30 सेकंड का, उसको सज़ा मिली है, कन्विक्ट तो कन्विक्ट होता है ना, सज़ा चाहे 1 सेकंड की मिले चाहे सज़ाए मौत मिले, 6 महीने के लिए उसको सुनने में आ रहा था, जो कानूनी लीगलिटी उसकी बनती है वो 6 माह की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बड़ी ढील दी है, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी मेहरबानी है, उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो डिसीशन आया है बींग गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ये हम यही कह सकते हैं कि सही आया है, और लेकिन सारे फैसले ऐसे ही होने चाहिए। अब एक जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं वो पेंडिंग में हैं, और जो अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज़ आते हैं वो अर्ली उसका डिस्पोजल हो जाता है, तो मैं कहता हूँ कि जो भी डिसीशन आए अकॉर्डिंग टू लॉ और रूल्स मुताबिक आना चाहिए। 30 सेकंड की सज़ा बहुत है ना, अब ये है कि आप देखें कितना बड़े वज़ीर आज़म है, 30 सेकंड भी बहुत है उनके लिए, अगर 2 सेकंड की भी सज़ा होती उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक वज़ीर आज़म के लिए। और इस मुल्क के अंदर जितने भी करप्शन है, नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, अपने अहदों के जो बजावरी सही नहीं कर सकते, बदयंती करते हैं, ऐसे लोगों के लिए चीफ जस्टिस ने इतना दानिशमंदाना फैसला किया है कि कन्विट भी हो गई और वो इम्प्लीमेंट भी हो गई। इससे दानिशमंदाना फैसला यहाँ की मजलूम और महकूम और बेबस आवाम को ये सोच लेना चाहिए कि उसने आवाम के वक़ार को भी मालूम से खातर रख के ये डिसीजन दिया है, और इस मुल्क की बका और रूल ऑफ लॉ की पासदारी भी की है, लिहाजा बाशऊर शहरी होने के नाते हम पर यह लाजम है कि इस बादियल नज़र फैसले को ना सिर्फ दिल से तस्लीम करें बल्कि इसकी हौसला अफजाई करें, ताकि हमेशा रूल ऑफ लॉ रहे, और जो भी नाइंसाफ़ी हो इस समाज के अंदर, इस माशरे के अंदर बिगड़ती हुई सूरत हाल में कोई भी बेदरेग अंदाज से
लूट ना सके और तमाम काले कानून का मासबा हो और रूल ऑफ लॉ का हो, जिसमें हर शहरी अपने आज़ाद और अपने खुशहाली की तरफ अपनी जदोजहद में इस माशरे की बकार के लिए अपनी सलाहियतें बरकरार ला सके।